हेलो एवरीवन, मैं मुकेश यादव क्लासलिप प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछली क्लास में हमने इकाई का अंग ज्ञात करना सीखा था, उसके कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था, तो आज हम उस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज की क्लास में केवल हम क्वेश्चंस का एक्सरसाइज कराएंगे, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सारे तरह के क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। अगर आपने कंसेप्ट नहीं देखा है यूनिट डिजिट निकालने का, तो पिछला वीडियो में आप जाके हमारा वो कंसेप्ट देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब भी एक बार मैं एक रिवाइज़ करा देता हूँ कि यूनिट डिजिट में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो जब भी हमें यूनिट डिजिट की बात करनी है, यानी इकाई के अंक की बात करनी है, तो इकाई का अंक निकालने के लिए मैंने क्या आपको बताया था कि भाई हमें सब पूरे संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल उसके इकाई के अंक से मतलब होता है। तो इकाई का अंक हम देखते हैं, तो उसमें मैंने बताया था, तीन चार कंसेप्ट बताए थे। पहला क्या था, यदि इकाई का अंक जीरो हो, एक हो, पाँच हो और छः हो, यदि कोई भी संख्या दी हुई है उसका इकाई का अंक या तो जीरो हो या एक हो, पाँच हो या छः हो, तो उसका इकाई का अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे उसका कितना भी स्क्वायर कर दिया जाए, उसका इकाई का अंक उतना ही रहेगा। जीरो का जीरो ही रहेगा, वन का वन ही रहेगा, फाइव का फाइव ही रहेगा और सिक्स का सिक्स ही रहेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था, यदि इकाई का अंक चार हो, तो चार में दो कंडीशन बताई थी, यदि सम हो और विषम हो। तो इन दोनों कंडीशन पे क्या हो रहा था, यदि चार कोई संख्या दी हुई है, उसका जो पावर है, पावर वाली संख्या अगर सम होती है, तब जो इसका इकाई का अंक होता है वो क्या हो जाता है, छः हो जाता है। और जो पावर है वो विषम होती है, तो इकाई का अंक क्या रहता है, चार। ठीक है, अब तीसरे इसमें था, मैंने बताया था कि अगर इकाई का अंक नौ हो, तो जब भी इकाई का अंक नौ हो तो उसका पावर हमें देखना है। इसमें भी यही कंडीशन है कि हम क्या देखेंगे, सम देखेंगे और विषम देखेंगे, क्या उसका घात। अगर 9 की घात सम है तो इकाई का अंक क्या आता है हमारा, 1, और 9 की घात विषम है तो इकाई का अंक क्या आता है, 9। ये बात क्लियर है। फिर हमने बताया था कि अगर ये तीनों कंडीशन आपको ना मिले, ये तीनों कंडीशन अब यदि आपको नहीं मिलती है, तब हम क्या करते हैं कि जो चौथी कंडीशन थी कि जो घात होती है उसको किससे करते हैं, डिवाइड बाई फोर, डिवाइड बाई फोर करते हैं और उसका रिमाइंडर चेक करते हैं, यानी शेषफल। अगर शेषफल एक है, दो है, तीन है, जीरो है, ये मैंने आपको बताया था। यदि शेष जो भी घात है आपकी, अगर आप चार से उसको भाग देंगे तो रिमाइंडर या तो वन बचेगा, या तो टू बचेगा, या तो थ्री बचेगा, या तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी शेषफल क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर आपका शेषफल एक आता है तो आपको घात कितनी रखनी है, एक रखनी है, दो आता है तो दो रखनी है, तीन आता है तो तीन रखनी है, और जीरो आता है तो आपको क्या रखनी है, घात चार रखनी है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इन्हीं कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, जिसके ऊपर हम आपका क्या होगा, क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं, हर तरीके के क्वेश्चन लगाने हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाए इसमें। ठीक है, क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 584 × 128 × 617 × 413। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। इकाई का हम अंक ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, कि हमें केवल इकाई के अंक से ही मतलब है, बाकी संख्याओं से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इकाई का अंक इसमें क्या है, हम एक बार एक्सप्रेशन फिर से लिख लेते हैं, 584 × 128 × 617 × 413। तो इसका इकाई का अंक क्या है आपका, चार है, इसका आठ है, इसका सात है, इसका तीन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे। तो चार का आठ में मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या है, आठ चौको
32 आया तो हम इसका भी क्या लेंगे, केवल इकाई का अंक लेते हैं, ठीक है। तो दो को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा क्या जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 में भी क्या करेंगे, हम इकाई का अंक लेंगे 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है इस चीज़ आप लोग को कि इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जो भी रिजल्ट आता है उसका हम इकाई का अंक ही लेते हैं, उस इकाई के अंक से हम अगले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास, वो जो आएगा उसका हम भी इकाई का अंक ले लेंगे, तो यहाँ का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2। ये बात क्लियर है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि हमारे पास दिया हुआ 3, 1, 2, 7, ये एक संख्या दी हुई है, इसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना। ऑप्शन हमारे पास क्या है, 1, 3, 7, 9। तो इसका इकाई का हम ज्ञात करना है, तो घात वाले पावर में है, तो घात वाले पावर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका इकाई का अंक देखना है हमें। तो इन्हीं में से कोई एक तरीका लगेगा, आप सोच सकते हैं कौन सा तरीका लगेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास संख्या यह दी हुई है, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने क्या कहा था कि कुछ भी संख्या दी हो उसके हमें किससे मतलब है, केवल इकाई के अंक से मतलब है, बाकी संख्या से हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है हमारा, 7 है। अब 7 को हम देखते हैं, भाई हमारे पास पहली कंडीशन क्या थी, 0, 1, 5, 6 है, तो नहीं भाई ये नहीं है। 4 है, 4 भी नहीं है। 9 है, 9 भी नहीं है। तो बाकी सारी संख्याओं के लिए हमने क्या कहा था कि जो भी घात होगी उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो भाई अब घात को 4 से डिवाइड कीजिए, तो 173 को अगर 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16, 4 तिहाई 12, तो रिमाइंडर आपका कितना बचा, 1 बचा रिमाइंडर। तो मैंने क्या था, कहा था कि जो भी रिमाइंडर बचेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। तो अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारा कितना बचा है, 1 बचा है। तो यानी अब हम 173 को ना हम हटा देंगे, अब क्या लिखेंगे, केवल 7 to the power 1। क्लियर हुआ, 173 हट गया क्योंकि 4 से डिवाइड होकर हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 1 आया आपके पास। तो मैंने कहा था कि अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 1 रखना है, 2 आता है तो 2 रखना है, 3 आता है तो 3 रखना है, और 0 आएगा तो आपको क्या रखना है, 4 रखना है। तो मैंने ये भी कहा था कि बाकी संख्याओं से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है। तो इकाई पे हम, इकाई का अंक हमने लिया उसका 1 कर दिया, तो भाई इसका अगर करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 ही आएगा। तो यानी हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 7। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर है ये चीज़ आपको, कैसे निकाला जाता है, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, जिसका आप तो अभी कैलकुलेशन अभी कर रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो बिना कैलकुलेशन के आप निकाल लेंगे आंसर, 2 सेकंड में आप आंसर निकालना सीख जाएंगे। चलिए फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है 2, 4, 6, 7 to the power 153 into 3, 4, 1 to the power 72। ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है, 1, 3, 7, 9 None of these, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो सिंपल सा पिछले क्वेश्चन की जैसे ही है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास केवल 1 एक्सप्रेशन था, यहाँ 2 टर्म्स हैं, मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम एक बार इसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे और एक बार इसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, और दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो भाई हमने क्या कहा था कि हमें किससे मतलब है, मान लीजिए हम संख्या लिख लेते एक बार फिर से, 2, 4, 6, 7,
153 इंटू 341 टू दी पावर 72। हमने क्या कहा कि भैया आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको इसको ध्यान में नहीं रखना है, ख़त्म है। यानी यहाँ 7 टू दी पावर क्या बचा, 153 बचा, और यहाँ क्या बचा, 1 टू दी पावर 72। ये इकाई का अंक 7 है, तो यानी ये हमारा ऊपर के तीनों कंडीशन में नहीं आएगा, चौथे कंडीशन में आएगा। तो चौथे कंडीशन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो घात है इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। तो 153 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12, 8 चौको 32, तो रिमाइंडर आपका कितना बचा, 1 बचा। यानी भाई यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 7 टू द पावर 1 लिख देंगे। ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो भाई हमारा पहली वाली कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे घात कितनी भी हो। तो भाई यहाँ पे 1 था, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, हमारा 1 ही होगा। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है, 7 × 1 7, तो यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। क्लियर है, ठीक है, तो सिंपल सा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आप 50-60 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये चीज़ें भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उसमें, कि आपको ये चीज़ें देखते ही पता चल जाएगी। भाई 4 है तो 4 का 4 × 4 = 8। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, नहीं चौथा, हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ 7 × 95 − 3 × 58। इसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन में हमारा दिया हुआ 0, 4, 6, 7, ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो इसका इकाई का अंक आ रहा है वो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। अब भाई मैंने क्या कहा था कि प्लस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, आपको फॉलो वही चीज़ करना है। आपने क्या करना है, अब ये तो 7 है तो ये तो ऑलरेडी इकाई का अंक है, तो भाई हम एक्सप्रेशन अगर लिखें 7 × 95, तो 7 हमारा किस वाले फॉर्मूले में आ रहा है, चौथे वाले कंडीशन में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 95 को किससे डिवाइड करते हैं, हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से अगर आप डिवाइड कीजिए 95 को, तो कितना आएगा, 3 बचा हमारा रिमाइंडर। तो भाई 7 × 3 आपने क्या लिख लिया, 3 लिख लिया, ये माइनस का साइन है। अब 3 × 58 है, तो 3 × 58 भी ये फोर्थ कंडीशन में हमारा है। तो अब क्या करेंगे, 58 को भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। मान लीजिए 58 को भी हमने 4 से डिवाइड किया, तो क्या आएगा, 4 × 4 = 16। तो रिमाइंडर हमारा कितना आया, 2 आया। तो मैंने क्या कहा था कि घात आप उतना लिख लेंगे। क्लियर है ये चीज़ आपको, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है, 7 का क्यूब करेंगे 7 × 7 = 49, 49 × 7 सच्चों को 28 और 6 = 43, तो 343 आता है। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या लिख देंगे, हम 3 लिख देंगे, और 3 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है हमारा, 9 आता है, तो हमने −9 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ रहा है, −6 आ रहा है। ये तो आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है। आप कहोगे भाई तरीका कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, और मैं कहता हूँ भाई अगर किसी इकाई का अंक माइनस में आ सकता है क्या, भाई कोई भी अगर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है
मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो या तो माइनस में तो ये पूरी संख्या होगी, इकाई का अंक तो माइनस में नहीं होता है ना, तो आप कहोगे हाँ भाई इकाई का अंक माइनस में नहीं है, तो ये माइनस में क्यों आ रहा है? तो भाई जब भी आप घटाते हैं, मान लीजिए आपको 53 में 46 घटाना है, तो भाई अगर 3 में से 6 घटा हुआ तो घटेगा नहीं, आपने 6 में से 3 घटाया तो 3 आ सकता है, लेकिन अगर घटाने के लिए आप क्या करते हो, इससे कैरी लेते हो, प्लस 1 की कैरी लेते हो, किससे लेते हो, दहाई के अंक से लेते हो, तो क्या आता है 10 आता है आपके पास एक्स्ट्रा में, ये प्लस 10 आता है आपके पास एक्स्ट्रा में, 10 प्लस 3 मिलकर कितना हो जाता है 13 हो जाता है, और 13 में से 6 आप घटा देते हो। तो सेम चीज़ वही करना है कि जब भी आपका आंसर इकाई का अंक माइनस में आएगा तो आपको क्या करना है, प्लस 10 ऐड कर देना है। क्यों ऐड करना, वो मैंने आपको बताया कि जब भी आप कैरी लेते हो तो कैरी में 10 आता है आपके पास, ठीक है, तो 10 आप ऐड करोगे तो कितना जाएगा, 4 आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 1-2 साल से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन लगाते हैं और इस तरह का आंसर आ जाता है माइनस में, वो यही सोच कर रह जाते हैं कि भाई हमारा आंसर कहीं ना कहीं गलत आ रहा है, वो क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब भी माइनस में आएगा आपको क्या करना है, प्लस 10 ऐड कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको, प्लस 10 ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ये बात क्लियर आ गई, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। पावर है 372 प्लस 124 पावर है 373, ऑप्शन आपको क्या दे रखा है, 5 4 2 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो एक्सप्रेशन दिया हुआ प्लस के फॉर्म में दिया, तो मल्टीप्लाई होता तो आप मल्टीप्लाई करते, प्लस होगा प्लस करोगे, डिवाइड है तो डिवाइड करोगे, और सब्ट्रैक्शन है तो आप सब्ट्रैक्शन करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका एक बार लिख लेते हैं, मैंने क्या कहा, हमें इकाई से मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है, हम केवल इकाई का अंक ही लिखेंगे। इसका पावर क्या है, 372 प्लस इकाई का अंक फिर 4 है, पावर क्या है, 373। अब इकाई का अंक हमारा क्या है, 4 है, ये कौन सी कंडीशन है हमारी, दूसरी वाली कंडीशन है। हमें अब क्या देखना है, जो घात है वो सम है कि विषम है, ये चीज़। तो ये घात हमारी क्या है, सम संख्या है, 372 सम संख्या है, तो मैंने क्या था कहा था कि अगर सम होगा तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा, तो आपने बस यहाँ क्या लिखना है, 6। और घात क्या होगी अगर विषम है, ये तो क्या थी आपकी, सम थी, और ये क्या है, विषम है, और जब विषम होगा तो इकाई का अंक क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। आपने यहाँ पे क्या रखना है, 4 ऐड किया, कितना आया, 10 आया, तो 10 में इकाई का अंक क्या है आपका, 0 है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये राइट आंसर है। क्लियर है ये चीज़, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको ये क्वेश्चन आपका NTPC में आया हुआ है, 2016 वाले NTPC में, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए। देखते हैं, आपने लिख देना था कि भाई 6 4 10, और 10 में इकाई का अंक क्या है, 0। पेन कॉपी भी नहीं उठाना था इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन इसका दिया हुआ है 0 1 2 3। ये भी क्वेश्चन आपका NTPC 2016 में आया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या है। 2 सेकंड लीजिए, 2 सेकंड से ज़्यादा क्या, 1 सेकंड का
क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन देखते हैं, आपको ऑप्शन पे टिक मारना है, बस आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आई होप आप लोग का सारा क्वेश्चन आ गया होगा, तभी एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या कहा था कि भाई इकाई का अंक हमें देखना है केवल, हमने इनका क्या देखा, इकाई का अंक देखा है भाई, यहाँ पे हमारा क्या है, एक है। और भाई दूसरे एक्सप्रेशन में भी हमने क्या देखा, भाई यहाँ पे भी एक है। अब मैंने क्या कहा था कि भाई अगर जीरो हो, एक हो, पाँच हो, छः हो, इनमें कोई भी ऐसा अंक इकाई पे मौजूद हो तो उसका इकाई का अंक बदलता नहीं है, वो चेंज होता ही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक का एक ही होगा, यहाँ पे भी एक का एक ही होगा, तो वन इंटू वन क्या होगा, वन ही होगा। इसमें सॉल्व करना ही नहीं था, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी आ गया हमारा आंसर। ये पिछले साल का क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछे जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपका सारा क्लियर होना चाहिए, कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा भी दे तब भी आप उसको अच्छे से समझ लें और कर पाएं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ है 2464 1793 * 6153 * 317 * 131 * 431 * 491। हमारे पास ऑप्शन है 0, 2, 3 और क्या है हमारे पास 5। ये क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि आपको पेन कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है इसका। हमने क्या कहा, हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है, 4 है। 4 इकाई का अंक है तो हमने क्या देखना है, जो घात है वो सम है कि विषम है। तो भाई घात विषम है तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आएगा। विषम घात पे क्या है ना, 4, तो इसका हमने क्या सीधे सीधे 4 लिख लिया। ये 5 है तो भाई 5 है तो क्या है, इसमें है 0, 1, 5, 6 में, तो इसका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा तो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये क्या है, 1 भी चेंज नहीं होता, आपने लिखा 1। अब आपने इसमें मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 20 आया। 0 को आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा। तो एक कंसेप्ट और मैंने बताया था, जब कहीं पे भी आपके एक्सप्रेशन में 5 आ जाए और उसके साथ कोई सम संख्या आ जाए तो आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कितना भी आगे डिजिट रहता, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब भी आपका 5 आ जाए कहीं एक्सप्रेशन में और उसके साथ क्या हो, एक सम संख्या हो, सम संख्या में क्या, 2, 4, 6, 8 या 0, अगर आ जाए तो आपको आँख बंद करके ऑप्शन क्या लगाना है, 0 का ऑप्शन लगाना है। सम संख्या हो तो 0, लेकिन यदि 5 आ रहा है और उसके साथ यदि आपके साथ विषम संख्या आ जा रही है, सारी की सारी विषम संख्याएँ हैं, अगर सम संख्या नहीं तो विषम संख्या तो होंगी, अगर विषम संख्या है तो उस कंडीशन पे आपका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि अगर 5 के साथ सम संख्या आएगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 5 के साथ आपका विषम संख्या होगी तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5। ठीक है, तो यानी इसका आंसर क्या हुआ हमारा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से आपने एक चीज़ सीखा, 5 के साथ सम और 5 के साथ विषम। ठीक है, 5 के साथ सम संख्या आ रही है तो 0 और विषम संख्या आ जाएगी तो 5। आप कहोगे भाई अगर एक्सप्रेशन में सम और विषम दोनों आ रहा है तो तब तो भाई 0 ही रहेगा, क्योंकि कोई भी एक संख्या सम हो गई तो वो 0 होना है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ इस तरह का, 5, 4, 9 * 46 * 82 * 844।
ये मल्टीप्लाई नहीं है, स्टार का चिन्ह इसके साथ में ही है। का इकाई का अंक दो हो तो स्टार का मान है। यहाँ पे इकाई का अंक आपको दे दिया है पहले से, ऑप्शन दिया हुआ स्टार का ये आपके पास, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बस क्या किया है, पलट दिया, इकाई का अंक आपको पहले दे दिया और कहा कि भाई इसका ये स्टार की वैल्यू, स्टार क्या है यहाँ पे, इकाई का अंक ही है ना, तो यूनिट डिजिट का ही क्वेश्चन है। अब देखिए इसको अप्रोच कैसे करेंगे हम, इस तरह के क्वेश्चन में हमें ऑप्शन की भी मदद लेनी होती है कि जल्दी से हमारा क्वेश्चन लग जाए। मान लीजिए हमने इसका एक एक्सप्रेशन हमने पूरा लिख लेते एक बार, 5 4 9। जिन बच्चों का भी ये क्वेश्चन लग गया है तो मैं तो कहूँगा उनका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, और जिनका नहीं लगा है तो आगे हम तो स्टार्ट करते हैं। इसका हमने इकाई का अंक लिया क्या है, 9। इसका लिया 6। इसका क्या है हमारा, स्टार है। और इसका क्या है हमारा, 4 है। तो पहले हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद 9 6 54 हुआ, 54 का यूनिट डिजिट क्या आया, 4 आएगा। 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौको 16, तो 16 का क्या आया हमारा, 6 आया। तो अब हमारे पास क्या है, 6 गुणे स्टार, हमारे पास क्या है, 6 गुणे स्टार हमारा क्या आना चाहिए, इकाई का अंक हमारा 2 आना चाहिए। तो 6 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि इकाई का अंक हमारा 2 आए। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो तब तो 6 आ जाएगा। तो हम ऑप्शन से देख लेते हैं कि अगर पहले ऑप्शन चेक करते हैं, अगर स्टार की जगह हम 2 रखते हैं, स्टार की जगह आपने 2 रखा तो क्या आ जाएगा, ये 12 आएगा। तो इकाई का अंक क्या हो गया हमारा, 2। यानी 2 तो हमारा सही है। 4 को भी आप एक बार चेक कर लीजिए, 4 अगर आप रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये 6 चौको 24, तो इकाई का अंक क्या हो जाता है, 4। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। 0 रखते हैं तो वैसे 0 आता, और 6 रखते हैं तो 6 6 36, तो 6। यानी हमारा इकाई का अंक 2 वाली कंडीशन किस पे फॉलो कर रही है, जब स्टार का मान 2 हो। क्लियर है ये बात, आपने कुछ नहीं करना है, सब जितना स्टार के पहले का है वो सब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और एक इक्वेशन आप इस तरह से कंडीशन बन गई। आप कंडीशन को चेक कर लीजिए भाई, ऑप्शन से आप कंडीशन को चेक कर लीजिए, जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला ध्यान से देखिएगा कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस तरह का, 81 × 82 × 83 ×, ये कहाँ तक जा रहा है, 89 तक। इसका मैं क्या ज्ञात करना है, इकाई का मान, इकाई अंक ज्ञात करना है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, 0 है 2 है 6 है और 8 है। तो क्या करना होगा यहाँ पे हमें, सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंसेप्ट को फॉलो करना है। कंसेप्ट को हमेशा आपको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रटना नहीं है, बस कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लगेंगे। अब देखिए ये एक्सप्रेशन है 81 × 82 × 83, और ये कहाँ तक जा रहा है, 89 तक। यानी मैं अगर इसको इस तरह से लिखूँ, 81 × 82 × 83 × 89 तक, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भाई 84 भी आ रहा होगा, फिर 85 भी आ रहा होगा, फिर
86 भी आ रहा होगा, 87 भी आ रहा होगा और 88 भी आ रहा होगा। यानी एक्सप्रेशन को इसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और 81 से लेकर 89 तक का मल्टीप्लाई है और उसका हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो क्या होगा इसका आंसर, सॉल्यूशन नहीं करना है इसका, देखते इसका आंसर बताना है भाई। 5 आया और 5 जब आया आपका खेल खत्म हो गया। अब भाई 5 आया तो आपने सबसे पहले क्या देखना, कोई सम संख्या है इकाई में, भाई सम संख्या मिल गई। तो मैंने क्या कहा था, अगर 5 है और कोई भी उसके साथ सम संख्या आ जाती है उसका आंसर क्या होगा हमेशा, इकाई का अंक क्या होगा हमेशा, 0। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस आपने कुछ नहीं करना था, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आपने क्वेश्चन से पकड़ लेना था कि 81 है, 82 है, 83 है, उसी तरह करते करते 89 तक जा रहे हैं। तो ये भाई इसमें 84 भी आना है, 85 भी आना है, 85 आ गया तो हमारा इकाई का अंक क्या आ गया, 5 आ गया, और 5 आ गया तो भाई सम संख्या तो हमें सबसे पहले दिख गई थी, तो इसका आंसर क्या होता, 0। हमें सॉल्व ही नहीं करना था इसको, बस आपको बस ये याद होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा उतनी देर में आप लोग आंसर बता दोगे इसका, किसका आंसर कितना होने वाला है। ऑप्शन है इसका 0, 3, 4 और 6। आंसर आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है आप लोग का, नहीं आया तो फिर हम चेक कर लेते हैं। भाई सिंपल सी चीज़ क्या करनी है, हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो भाई इकाई का अंक क्या है हमारा, 1 है, तो 1 आ जाएगा तो भाई ये तो सत्य है कि ये चेंज हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से तो 1 आ गया और यहाँ पे क्या है, 2, क्या करना हमें प्लस करना है, 1 और 2 को जोड़ने कितना आया हमारे पास, 3 आया, तो 3 हमारा आंसर है। आपको मतलब पेन उठाना ही नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में, इसका इकाई का अंक 1 और इसका इकाई का अंक 2 जोड़ा, 3 आया आंसर हमारा, 3। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपकी परीक्षा में, जबकि क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, 4, 3, 8, 7 टू दी पावर 245 गुणे 72। ऑप्शन हमारा ये दिया हुआ है, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या देखना है हमें, इकाई का अंक देख लिया भाई, इकाई का अंक क्या है यहाँ पे, 7 है, 7 में हमारा कौन सी कंडीशन फॉलो होती है, चौथी वाली कंडीशन हमारी 7 में फॉलो होती है, ये बात क्लियर है। अब हमें चौथी वाली कंडीशन फॉलो होती है तो हमें क्या करना है इसको भाई, 7 से 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से आपने इसको डिवाइड किया कितने को, 6 चौके 24 से तो ये कट गया 5, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचा आपका, 1 बचा, तो हमने क्या लिख लेना है, 7 to the power 1 लिख लेना है, क्लियर है। और इसका इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो भाई ये तो अलग ही चीज़ है, बदलेंगे ही नहीं कभी, कुछ भी कर लो, तो 1 हो गया, तो कितना आ गया, 7। यानी कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी, इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या आएगा हमारा, 7 आएगा, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा। अब चलिए 2-3 क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद आपकी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन आप ये कीजिए,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक्स और वाई क्या है, प्राकृतिक संख्या है। भाई प्राकृतिक संख्या होने का मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई जीरो नहीं हो सकते, ये तो हमें पता है। इस प्रकार है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 217, दोनों प्राकृतिक हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना तो x जीरो होगा ना तो y जीरो होगा, क्योंकि मैंने बताया था नेचुरल नंबर क्या होता है, एक से स्टार्ट होता है, जीरो उसमें काउंट नहीं होता है। इस प्रकार है तो 2 to the power x इंटू 2 to the power y का इकाई का अंक होगा। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है मेरे पास, 2, 4, 6, नन ऑफ दिस। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किस एक्सप्रेशन का हमें देखना है कि 2 to the power x इंटू 2 to the power y का जो सोल्यूशन होगा उसमें इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, और हमारा एक कंडीशन क्या दी हुई है, x प्लस y इक्वल टू कितना है हमारा 217। सोचिए, कुछ लोगों का दिमाग चला गया होगा जहाँ से क्वेश्चन लगना है, कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि भाई सर ने तो बताया तो कुछ ना कुछ तो पावर दी होगी, पावर ही यहाँ पे x और y में है, हम डिवाइड क्या करें, भाई दो है इकाई का अंक तो दो है, तो भाई दो वाला तो यही वाला होगा, लेकिन हम डिवाइड किसको करेंगे चार से यही नहीं पता हमें, तो भाई ये तो पता करना पड़ेगा किसको डिवाइड करना है। तो आपने पढ़ा होगा अगर किसी का भी बेस समान हो और घाते अलग अलग हो और उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम इसको ये लिख सकते हैं a to the power m plus n। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो पढ़ा देंगे इसको। तो यहाँ पे इसको क्या आप क्या लिख सकते हैं, 2 to the power x plus y लिख सकते हैं, 2 to the power x plus y लिख सकते हैं। कि अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 217 दी हुई है, बस हमें यहाँ पे रख लेना है 2 to the power 217। अब 217 तो अब आ गया, अब सिंपल सा वही पुराना वाला काम करना है हमें, क्या करना है, 217 को किससे डिवाइड करोगे आप, चार से ही करोगे ना, चार से डिवाइड करो भाई, 5 चौको 20, 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना आया आपका, 1 आया, तो 2 to the power 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ए सही है। अच्छा सवाल था, सिंपल सा है, इस तरह के भी पेपर में आ जाए तो आपको बस ध्यान रखना, कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए मैथमेटिकल। समझ तो आ गया होगा ये चीज़ कि भाई हमारा ईस्ट फॉर्म में दिया हुआ था 2 to the power x into 2 to the power y के फॉर्म में दिया हुआ था, तो हमें यह फॉर्मूला पता है कि अगर आधार समान हो और घात अलग अलग हो, अगर उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो घात क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, तो भाई घात आधार तो वही रहेगा, घातें जुड़ गई, तो यहाँ पे भी हमने क्या कहा, आधार तो दोनों का सेम है, 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया भाई, दोनों को जोड़ दिया, क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया। अब x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी थी हमें, हमने 217 कर लिया, 217 को क्या किया, 4 से भाई हमने भाग दिया, शेषफल हमारा कितना बचा, 1 बचा, तो भाई शेषफल 1 बचा तो इसका पावर भी 1 होगा, पावर 1 हुआ तो भाई क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। क्लियर है यह बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, केवल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। बस बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं, जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है सही से, और ना पढ़ने की वजह से क्वेश्चन क्या हो जाता है, हमेशा गलत हो जाता है। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 433 × 456 × 43 n 43 n, यानी यहाँ पे इकाई की जगह n दिया हुआ है हमें। एक क्वेश्चन हमने किया था स्टार वाला, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और घुमाया है, कहा कि इस समीकरण का, इस एक्सप्रेशन का जो इकाई का अंक है अंक क्या है, n प्लस टू हो, इकाई का अंक क्या हो, n प्लस टू हो, तो n का मान ऑप्शन दिया हुआ हमारे पास 1, 8, 3, 6। क्या कह रहा है कि एक्सप्रेशन दिया 433 × 456 × 43 n का इकाई का अंक यदि n प्लस टू है तो भाई n का मान ज्ञात करना है। अब हमने क्या कहा था कि भाई जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करना है। आपने मल्टीप्लाई किया, एक्सप्रेशन क्या दे रखा है हमारे पास, 433 × 456 × 43 n दे रखा है। तो हमने क्या किया, इकाई के अंक को मल्टीप्लाई किया, क्षेत्र का 18 का हमने क्या लिया, 8 लिया। अब 8 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, n से मल्टीप्लाई करना है ना, तभी तो इकाई का अंक आएगा। इकाई का अंक इन्होंने क्या कह रहे हैं कि भाई इकाई का अंक कुछ इस तरह से आना चाहिए, n प्लस टू के फॉर्म में आना चाहिए, और हमें n की वैल्यू देखनी है। अब हमने क्या करना है, मैंने क्या कहा था कि आंसर से जो भी आंसर दिया है उससे हम वेरीफाई कर लेंगे। अगर मान लीजिए मैं n बराबर एक के लिए भाई ये तो ये हो जाएगा 8 × 1 × ये क्या हो जाएगा 1 + 2, तो ये कितना हो जा रहा 8, और ये इधर का पक्ष 3, तो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी हमारा पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत है, पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। अब अगर 8 रखते हैं, अगर 8 रख रहे हैं यहाँ पे तो 8 आता ही 64, यहाँ 4 आ जाएगा, लेकिन 8 यहाँ रखने पे तो 10 हो रहा है, ये 0, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 3 को देख लेंगे, अगर n बराबर 3 रखेंगे तो 8 × 24 यानी 4, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये क्या कितना दे रहा है 5, ये भी सेटिस्फाई हमारा नहीं कर रहा है। 6 रखते हैं, अगर n की जगह यहाँ 6 रख दें तो 8 × 6 = 48, 48 का क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट, 48 आया तो ये 8 हो गया, और इधर 6 रखेंगे तो 6 + 2 = तो कितना हो गया, ये भी 8 हो गया, यानी सेटिस्फाई हमारा कौन सा ऑप्शन कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि भाई प्रोसेस पूरा वही फॉलो करना है आपको, बस लास्ट में क्या करना है, स्टार दिया हो, चाहे एक्स दिया हो, चाहे एन दिया हो, चाहे ए दिया हो, उसका जो मन वो दे सकता है, उसमें बस आंसर से आपको ना वेरीफाई कर लेना है, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्सप्रेशन है, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये इकाई का अंक ज्ञात करना है। अभी तक आपने जो भी इक्वेशन पढ़ रहे थे, कोई भी संख्या दी हुई थी उसका
उसके पावर को सताते, यहाँ पावर का पावर है। तो बस ये चेंज है, बाकी इस कंसेप्ट तो आपका पुराना वाला ही लगना है। अब देख लो आंसर क्या होगा। चलिए अगर आप लोग का आंसर आ गया है तो भाई आप लोग तो समझ गए पूरी बातें को, नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। भाई ये दो है भाई, दो का अगर आप स्क्वायर करो, दो का क्यूब करो, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power, जब भी करोगे ना वो सम संख्या ही आएगा। भाई दो का अगर आप 2 to the power 1 करो तो 2 ही आना है। इस हर कंडीशन में सम संख्या ही आएगा, यानी भाई ये तो हमारा क्या है, एक सम संख्या है, ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब ये क्या है भाई, हमारा 5 है। अब 5 का भी अगर आप स्क्वायर करो, क्यूब करो, तो यूनिट डिजिट जो आएगी हमेशा 5 ही आएगी। बात क्लियर है, 5 का भी आप वर्क करो, क्यूब करो, चाहे जितना ही पावर करो, हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगी वो 5 ही आएगी। यानी यहाँ पे 5 आ रही यूनिट डिजिट, और ये क्या है, सम है। अगर मैंने क्या था, संख्या में एक्सप्रेशन में कहीं पे भी 5 दिख जाए, उसके साथ कोई भी सम संख्या अगर आपको दिख जाती है तो आपको आँख बंद करके कुछ सॉल्व नहीं करना है, सीधे किसको आंसर कर देना है, 0 को आंसर टिक कर देना है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए चलिए लास्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं बस। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 to the power 98 है, 3 to the power 89 है। इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ क्या दिया, 3 to the power 98 माइनस 3 to the power 89, इसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो भाई हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो इकाई अंक हमारा कितना है, 3 है, तो ना पहले में है, ना दूसरे में, ना तीसरे, केस नंबर क्या है हमारा, 4 है। अब 4 होने में क्या करते हैं हम, केस नंबर 4 है तो डिवाइड भी किससे करेंगे, हम 4 से करेंगे। 4 से अगर 98 को डिवाइड करते हैं हम तो क्या आ जाएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, बचा कितना रिमाइंडर आपका, 2 बचा। तो यहाँ तो भाई हमने कह दिया भाई 3 to the power 2 हो गया। अब अगला क्या हमारा, 89 है, तो 89 को भी अगर हम डिवाइड करें 4 से तो 4 × 2 = 8, क्लियर, रिमाइंडर हमारा क्या आया, 1 आया, 1 लिख लिया हमने। क्लियर, अब 3 to the power² का हमें क्या आ जाएगा, हमारे पास 9 आएगा, और 3 to the power 1 का 3 आएगा, माइनस करोगे कितना आंसर आ गया, 6 आ गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। आई होप कि आपको इकाई का अंक निकालना अच्छे से आ गया होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। यदि आपको कोई और क्वेश्चन हो जो आपको ना आ रहा हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम उसका आंसर आपको ज़रूर देंगे। तो हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को भी करें, और नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या बोला कि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।